बिना दारू के। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर गुड़गांव की शेरनी की आईडी उड़ाने में विकास बोले तो हिंदुस्तानी भाऊ के अलावा मुंबई में किसी अदर ने इतना गेम खेला है आईडी का काम करने में, तो बहन चोद पैसा ऐसा फेंकेंगे घर से उठा के, यहाँ गुड़गांव में, यहाँ ये देख रहे हो, ये बैठा साइड में सीट, यहाँ सीट में बिठाएंगे उस मादर के लौड़े को और बोलेंगे बहन के लौड़े अब बोल, लाइफ चल रही है तेरी माँ के चूत बोल, और ना करवा दिया ना ये काम तो गुड़गांव की शेरनी के मुंह पे थूक देना उस दिन। ठीक है, इतना दम रखती है तेरी माँ। ठीक है, एक बार बोल के दिखा दे, बोल के दिखा दे, मेरी जान के लिए माफ है, मेरी जान के लिए माफ है। ठीक है, तुम्हारे हिंदुस्तानी बहू के लिए माफ है, वो मेरे लिए कुछ भी गलत बोले कुछ भी, वैसे तो वो गलत बोलता नहीं मेरे लिए। ठीक है, वो मेरे लिए अच्छा भी नहीं बोलता ना मेरे लिए गलत बोलता, मेरी जान है वो, मेरी मेरी जान है वो। ठीक है, वो मेरी जान है, जान मतलब जानो, तुम जानते हो तुम मेरी, मैंने दारू पी रखी, अब असली बात बोलूंगी नकली बात नहीं बोलूंगी, यहाँ रहता हूँ मेरे यहाँ यहाँ। ठीक है, अब ये बता बहन के रंडी, जो ये कह रही है ना कि भाई तेरी औकात क्या है, उसको भाई लियो जरा, इसको बोलियो क्या नाम है ये बहन का, लड़ क्या नाम था इसका, थोड़ा गरम कर देना, ठंडा है यार अभी, नहीं, उसको हाँ शेखर चहल, हाँ नाम बोल जा, तुझे बढ़ाइए ये साला बहन चोद। पता है मेरी दोस्त कह रही, कह रही चल ठीक है, एक लाइफ बनता है कि हाँ भाई तेरा दिल दुख रहा है अपने बॉयफ्रेंड के लिए या जो भी, ठीक है, ऊपर से फिर तू एक और लाइफ देख रही कि कौन क्या भाई, वो कह रही ये तू तू कितना, तो मतलब समझ रहे हो बात को, मेरे पर प्रेशर कितना पड़ रहा था, मतलब वो कह रही है दोस्तों को समझाना बहुत मुश्किल है, हाँ
थैंक यू सो मच गाइस, आप बने हुए हो, बट मैं अब लाइव बंद कर रही हूँ और मेरा सोने का टाइम भी होगा। और मेरे दोस्त जो मेरे घर पे आई हुई है, एक्चुअली हम लोग अभी बाहर थे, आउट ऑफ थे, और अभी घर आए हैं, और वो सामने नहीं आना चाहती है। ठीक है, मैं आप सबको पता है मैं आउट ऑफ कहीं भी जाती हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ ही जाती हूँ। और दोस्त का मतलब होता है फीमेल दोस्त। ये मेरे बेटे और मेरी बहन सबसे पहले वीडियो कॉल पे, मेरे बहन, पता है मैं बहुत, पता है मैं हर लड़की को यही सिखाना चाहती हूँ जो अकेली रहती है, कि समटाइम क्या होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, हमारे साथ कुछ गलत काम हो जाता है तो हमारे घर वाले हमें ढूंढते रह जाते हैं, समझ रहे हो बात को? तो फिर हमें पता नहीं लगता कि हमारे घर वालों को कि उसका क्या स्टेटस था, कहाँ गई थी, किसके। तो मैं जाने से पहले ना, मैं किसी के साथ भी क्लबिंग जाती हूँ, कहीं भी पार्टी जाती हूँ, कोई मेरे घर में आके रुक रही है, तो मैं अपने, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलती, मेरे बेटा और मेरी बहन, ये दो लोगों को मेरी एक एक रग 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 का पता है इन लोगों को। ठीक है, मतलब इन लोगों को पता है कि भाई शेरनी कल्पना, मतलब कल्पना आज पार्टी करने गई है तो उसके दोस्त उसके साथ हैं, ये फलानी वाले दोस्त हैं। मैं ऑलरेडी उसको और मेरा एक पिक्चर उनको फॉरवर्ड कर देती हूँ, और वो मतलब जो भी, क्योंकि दिस इज़ यू नो, मतलब सोशल मीडिया नहीं बोल सकते, दिस इज़ यू नो क्राइम मीडिया, क्राइम मीडिया, नो दिस इज क्राइम पॉइंट, यू नो। तो आपका क्राइम बहुत चलता है यहाँ पे, तो क्राइम में आपको क्या है कि आपको बहुत संभल के चलना होता है, और जो औरत संभल के चल जाए तो वो आगे तक चलेगी। और शेरनी को डगमगा दे कोई ऐसी कोई लौड़ी और लौड़ा पैदा नहीं हुआ। और सुन बे लौड़ी, तेरे जैसे लौड़े होंगे ना बहुत, हमने सर्टिफिकेट रख लिया अपने पास। चलो रेड एंड वॉच दिखाएंगे जिस दिन दिखाएंगे। बाकी जब हम किसी के साथ घूमने फिरने जाते हैं, उसकी पूरी आइडेंटिटी, उसकी पिक्चर्स, उसकी पूरी चीज डाटा, उसकी आईडी, इंस्टा आईडी, चाहे वो कितना ही फेक आईडी हो, हम अपने बच्चे को और अपने बहन को भेज देते, और उसके बाद वैसे तो अब हमने छोड़ दिया है सब चीज, अब माँ चुद है अपनी बहन चुद। ठीक है, हमने ना दुनिया में ना बहुत पैसा खर्च कर दिया लोगों पे, हमने सोशल मीडिया में बहुत पैसा खर्च कर लिया अपने दोस्तों के नाम पे। ठीक है, अब अपनी बहन चुदो, अब हम ये कहते हैं और रंडियों तुम्हारे गांड में कुए तो तुम पैसा खर्च करो अब शेरनी के ऊपर, तुम तो बहुत बड़ी रंडी हो है, तुम तो जगह जगह चुदती हो तो तुम पैसा खर्च करो फिर हमारे ऊपर, काहे नॉट वाय खर्चिंग पैसा शेरनी के ऊपर है। शेरनी को तो तुम बोलो 5 साल बाद का, 2 साल बाद का, 1 साल बाद का, 1 मिनट बाद का, औरत ने आदमी के ऊपर भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है शेरनी। शेरनी के पास पैसों की कमी नहीं है। गंडवे पहले मुंह से बोल आई एम अ गंडवा, मेरी गांड में खुजली हो रही है शेरनी, तू मेरी गांड में ना लठ गुस्सा, और मेरी मैं तेरे चूत को चाटूंगा। तो ऐसा कोई बोलने वाला मर्द मिलेगा तो हम उस पर भी 1 लाख रुपए वार देंगे। अब बता तू, अब बता। हाँ बिल्कुल, चूत चटवा। तो देख तू नहीं, क्या लिखा इसने, एक मिनट, हाँ एक मिनट पिन कर देती हूँ इसकी आईडी। हाँ हाँ बिल्कुल, तू चू चटवाते हम अपने घर में, कितने फैमिली है तेरे, इसकी आईडी को भैया फोकस करना, फोकस कैमरामैन को फोकस, घर में कितने मेंबर है उन सब से चटवाने के लिए भेजती हो शेरनी के पास। पता शेरनी को तब मजा आता है जब शेरनी हगती है ना टट्टी, जानते हो टट्टी, जब टट्टी करती है ना, और वो टट्टी करने के बाद ना, हगने के बाद जब उसकी गांड में ना टट्टी चिपकी होती है, पीछे ना गांड में टट्टी चिपकी होती है, और तेरे जैसे गंडवे
अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, सबको लेके ना कहता शेनी की टट्टी चाटनी है हमें आज, इसका पिन क्या ना, मैं उसके लिए बोल रही हूँ भाई, बाकी बाकी अपने ऊपर मत लेना भाई, भाई अपने ऊपर मत लेना, अरे बाकी अपने ऊपर ले लो, लड़ना पाड़ लो, मैं चूत का लड़ पाड़ लो, मेरे चूत का लड़ पढ़ लो, आज पढ़ लो। हाँ तो ये मादर चो जिसका मैंने कहा ना, हाँ तो इसको मैंने बोला ठीक है, जिसका पिन क्या हुआ है, तो मादर के लौड़े, हाँ तेरी माँ को बहुत शौक है चू चटवाने का, जिंदगी का सबसे सबसे बड़ा मजा बहन का लंड यहीं पे, तुझे यही नहीं पता, किसी आदमी से पूछ उसका लंड जब एक औरत चूसती है ना उसको कितना मजा आता है, एक मिनट, बहन का लंड, ओ भोसड़ी का मादर का लोड़ा, एक आदमी जब एक औरत के मुंह पे लंड घुसाते है ना तो वो कहता है वो बहन चूद, कितना मजा आ रहा है, हा इतना मजा तो मेरी बेटी भी नहीं लंड चूस के देती थी जितना आप दे रही हो। तो ऐसे ही बहन का चौदा, ऐसे ना तेरे जैसे मादर के लड़ो और तेरे जैसे खानदान को ना, तेरी माँ को, तेरी बीवी को और तेरी बच्ची को, तेरी बहन को, सबको ना शेरनी चू चटवाती है और कहती ये ऐसे पानी निकालते हो तुम लोग मेरे, पता है तुम्हें ऐसे कुछ चीख में मेरे पानी निकलती है, चीख में मेरे पानी निकलती है। अब बता तू बहन के लंड है, अब हटा देते दे पिन, आया ना मजा उसको, नहीं नहीं एक्चुअली उनको जरूरी था सबक सिखाना, बहुत जरूरी था भाई, तो मैंने सबक सिखा दिया। मेरी जान भी लाइव देख रहा है, और समटाइम क्या होता है सबक सिखाना बहुत, उसने क्या बोला कि शेरनी तू क्या मतलब, कमेंट मैंने पिन किया, तो भाई शेरनी सिंगल लेडी है, पिछले 10 साल से भूखी है वो, 10 साल से विधवा है वो, पता है विधवा का मतलब जानते हो, विधवा है वो, 10 साल से किसी से भी ना संपर्क में नहीं रही है, तो कितनी प्यासी कितनी भूखी है वो, समझ रहे हो बात को, और कोई लपेटे में आ जाए तो बहन जो तो मर ही जाएगा, फिर तो बचा ले फिर अपने आप को। हाँ भैया भैया दारू पीते, हाँ बिल्कुल दारू पीते हम, आपकी गांड में गुए, आप दारू पी लो, चीयर्स, आप दारू पी लो, आपको इसने मना किया दारू पीने के लिए, दारू बहुत अच्छी चीज होती है, दारू पियो ना, दारू पियो पियो, आप कहे दारू नहीं पीते हो, आप दारू पियो मेरी जान। दारू जिंदगी में सबसे अच्छी चीज है, दुनिया में कोई अच्छी चीज है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट दारू इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ना कुछ लोगों की ना असलियत पता लग गई है, कोई कहते थे ये हमारा देवर है, ये हमारा भाई है, हमारा ये है, अभी पता लगा कि कहानी कुछ और ही है। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, किसी की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए बिना मतलब, फिर इज्जत उस लेगी तो फिर कहानी बहुत बिगड़ेगी, छोड़ो प्रूफ आने दो, कुछ हम प्रूफ के साथ बात करेंगे, बाकी ऐसा देखो अभी मेरा गला बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं सुबह से दारू पी रही हूँ, एक्चुअली मैं किसी और रीजन से गला मेरा बैठा हुआ है, ठीक है,
मैं अभी किसी पार्टी में थी, अभी घर आई थी, और मेरे पास ना घर आते जिस पार्टी में मैं गई हुई थी वहां ये बोला गया कि तू कहाँ है अभी इस टाइम में, शक के नजर से। पता कौन से वीडियो में, मैं बताती हूँ। अगर मैंने ये वीडियो डाल दिया था, एक मिनट, बेंचो इतना बड़ा भीड़ है इस वीडियो पे, ओह माय गॉड, तुम्हारी मियाँ चूदू एवरी नाइट कलेजे के पेड़ में ले जाके, मादर चू तुम हो ही लायक अपनी माँ की मां चुदवाने में। अगर तुम, एक मिनट, हाँ ये देखो, सुनो, गाइस ये वीडियो में ऐसा क्या था जिस पे मुझे इतने कमेंट मिले कि भाई तू कहाँ जा रही इतने रात को, अपनी घाण मरवाने कमेंट्स आ रहे थे मुझे अपनी हाँ मैं अपनी मेरी घाण में ना खुजली हो रही थी बहुत ज़्यादा, ना मेरा ना मन कर रहा था कहीं मरवाने का। फिर मैंने कहा मैं अपने बाल बाल धुलवा लेती हूँ, फिर मैं ना अच्छी तरह तैयार होकर ना फिर मरवाने, यार कहीं मरवाने जाते तो खुशबूदार तो बन के जाओ ना, फिर आप मरवाने के लिए ऐसे बदबूदार बन के जाओगे तो बहनचोद मारने वाले भी गांड में लात मारेगा फिर आपकी, ठीक है, निकल यहाँ से बहन की लौड़ी, शक्ल तेरी बहुत अच्छी है वैसे तेरे बदबू आवे, ठीक है। तो भाई मैं थोड़ा ना नहा धो के जाना चाह रही थी, ठीक है। अब तो मैंने गलती करी गाइस, मैंने गलती कर दी, नहीं मैंने गलती नहीं करी, मैंने आज तक कहीं भी कोई गलती नहीं करी है, मुझे पता है मेहनत से मैं जरूर हूँ पर मैंने कोई गलती नहीं करी है। और क्या टाइम हुआ है, 2:30 बज गया, अब मुझे सोना चाहिए, ठीक है। मैंने कोई गलती नहीं करी है, आप अपनी गलती सुधारो कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर, जिस दिन आपके औकात उतारने पे आ गया ना मेरी जाना, तो आप ना हरियाणा में रहने लायक रहोगे, ना इंस्टाग्राम में, और ये पेज पे तो भूल जाओ आप रहोगे, क्या कर, ठीक है। क्योंकि 14 साल की लड़की के साथ आप जैसे सोए हो ना, उस बच्ची को बिचारी को हम सामने लाएंगे तो कहीं तो आपका दिल धड़केगा ना, फिर मेरी जान धड़केगा ना, अरे थू है तुम जैसे मर्दों पे बहन के लंडो। इसलिए मुझे नफरत है मर्दों के नाम पे, मर्दों के नाम पे नफरत है मुझे। मर्द बहुत कम होते हैं जो अच्छे होते हैं, पैक बनाइए मेरा एक और, मर्द बहुत अच्छे होते हैं जो मतलब सच्चे होते हैं और अच्छे होते हैं, नहीं तो हर मर्दों को ना बहन के लड़ों को, 70 साल के बुढ़ों को ना 17 साल की लड़की चाहिए, मादर के लड़े। ये किस्सा मैं बहुत जल्दी फ्लैश आउट करने वाली कीर्ति के साथ बैठकर, और हरियाणा का किस्सा है वो, मादर का लौड़ा बुढ़ा मादर चूद, रोएगा तू, उसको करोड़ की संपत्ति देके भागेगा तू यहां से। पता है कई बार ना बुढ़े गलती कर देते हैं कम एज की लड़कियों के साथ ना रिलेशन बना के, या रेप समझ लो, उसके साथ एक बार सेक्स भी कर लिया ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो लड़की चाहे ना उसके ऊपर बहुत गंदा केस बना सकती है, बहुत गंदा। और ऐसे एक केस हुआ है, और वो लड़की के मर्जी के खिलाफ उसने केस किया हुआ है, और वो देखो अब क्या होने वाला उसके साथ, तेरी मैया चोदेंगे हम बढ़िया तरीके से। ओ हरियाणा का उछलता हुआ ताऊ, थम जाओ, थम जाओ,
तेरी मैया चू देगी अब बढ़िया वाली, रुक जा। कहाँ चले गए सारे मर्द, गायब हो गए क्या इंस्टाग्राम के? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गान मराई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तेरी माँ की चूत, हैप्पी बर्थडे तेरी बहन का भूषड़ा, हैप्पी बर्थडे तेरे भाई का भूषड़ा, तेरे वहां तो बड़ा इन्वॉल्व हो जाते हो सब लोग। क्या बताओगे, शेयरिंग लाइन में कोई नहीं दिख रहा? मैं बार बार देख रही हूँ यहाँ पे कि शेयरिंग लाइन पे कौन इन्वॉल्व हो रहा है, क्या कोई नहीं हो रहा है। होने की औकात होनी चाहिए, जुबान होनी चाहिए, फेस होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। ऐसे नहीं शेयरिंग लाइफ पे कोई ऐड होता, और कोई नीचे बैठ भी गया ना, उनकी औकात नहीं है कि हम उसे ऐड करें। निकल तेरी माँ की चूत, अपनी माँ की चूत बेचो और कमाओ पैसा है। हम तो सीधा बोलते भैया, जो बंदा अपने हिंदुस्तान का नहीं, जो बंदा अपना हिंदू धर्म का नहीं, वो भैया अपनी माँ को चोद चोद के, चुदवा चुदवा के फॉरेन कंट्री में अपना पैसा कमा रहा है। बस निकलो बहन के लंडो यहाँ से, हमारी जिंदगी से निकलो। आपको कोई हक नहीं है हमारे हिंदुस्तान में रहने का, ना वापस आने का, क्योंकि आप सोशल मीडिया में अपने आप को प्रेजेंट करते हो। तेरी माँ भी ठीक है, हाँ हाँ मेरी माँ भी चूदी थी तभी तो मर गई ना बेचारी। अंग्रेजों ने तेरे जैसे अंग्रेजों ने चोद दिया था ना, तू अंग्रेज बैठा ना नीचे, मेरी माँ को चोद दिया था तभी तो बेचारी चली गई परमात्मा को, और मैं बैठी झांसी कराने तुम जैसे राक्षसों को मारने के लिए उसकी बेटी। आजा मेरी माँ तो मर गई, वो आ जा उसकी बेटी बैठी हुई तेरे गांड में गुआ था, तेरी बहन का लन तेरी बेटी को ना जी विरोड में बिठा के नंगा नचवा दिया तो आ बहन के लंड आ ना आ क्यों नरा तेरी माँ की चूत आना बहन के लंड। क्या बात होगी, आ नहीं रहा अब, कमेंट क्यों नहीं कर रहा तू अब क्यों नहीं कर रहा अब? मैं पढ़ रही तेरे कमेंट, चश्मा पहन रखा है देख, ये देख इतने बड़े बड़े चश्मे पहन रखे मैंने, ये तो तेरा कमेंट पढ़ने के लिए है। आ तेरी बहन का लंड, अपना एड्रेस बता कहाँ रहता है, तेरी बेटी कहाँ रहती है, तेरी बेटी को ना बढ़िया धंधा दिलवा दूंगी, और बता तू। हराम कुत्ते साले कुत्ते, मादर चोद चोद। देखो भाई मैं ऐसी हूं मेरा दे सुनो, एक मिनट बहन चुकी क्या होगा, मेरा दिल करेगा मैं गांड मारूंगी। मेरा अभी दिल पता है किसका गांड मारने का कर रहा है, मैं गांड मार नहीं रही हूं, बस मेरा मुंह बंद है अभी, मेरा दिल टूटा हुआ है किसी की तरफ से। मैं गांड मारना चाहती हूं अब किसी की, बाकी भैया तुम्हारा जो गांड में गु है ना, तुम लाइफ चलाओ कुछ भी कर लो। ये देखो ये शेयरिंग का पावर, और ये जो बुढ़े बढ़ावे बोलते हैं ना, ए बहन चो तो हम ये हम वो, अबे बहन के लड़ तुम कुछ ना हो, तुम ना हो कुछ भी। पब्लिक से ही सब कुछ होता है, अब पब्लिक का ही दिल ना जीत, पब्लिक को हम बता दें तुम क्या हो, बता दें हम तुम क्या हो, चला हमारा प्यार चूतिया प्यार है क्या?
करते हैं। ओ अब मैं बहन जो इशारा भी नहीं कर सकती, बहन जो फिर वो अपने ऊपर समझ। सुना नकली जिंदगी, ओ नकली जिंदगी, स्टॉप कर ले, स्टॉप कर ले नकली। बस इतना ही बोलूंगी तुम लोगों के लिए, नकली जिंदगी स्टॉप कर ले। हरियाणा के लोग ना, अपने यहाँ के लोकल के लोग ना, रियल जिंदगी जीवे, और तुम लोग जियो नकली जिंदगी। ओ नकली जिंदगी स्टॉप कर ले, स्टॉप कर ले, तेरी स्टॉप जिंदगी वही गांड में गोली मार दूंगी, नहीं तो समझ गया। प्यार है अपना, मोहब्बत है तो जान है तो अपने। मैं दारू चढ़ गई, मेरा मूड ठीक नहीं है अब, मेरा मूड ठीक नहीं बहन चोद। मैं अपनी इज्जत बेइज्जत कर चुकी हूँ, और सामने वाला ओ माय गॉड, हर लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं दिखाते हैं कुछ पिक्चर्स हमारे इज्जतदार लोगों की, ठीक है। सुनो जाना, ये होता है, दिस इज द लास्ट। अरे बहन चोद, मुंबई वाले क्या हरियाणा से वो ये क्या इनकी बहन का चोदे नीम की पेड़ में लटका के बहन का पोछड़ा हल्के में ले रहे क्या कोई? अरे छोड़ ना यार, अरे मैं कहती हूँ भोलेनाथ की कसम, भगवान की कसम, रोहित की कसम, मैं भिड़ना चाहती हूँ इन लोगों से, इनकी औकात दिखाना चाहती हूँ कितने हल्के में और हम कितने चौड़ में। अरे खोखले खोखले साले गंडवे खोखले बहन चोद, प्यार मोहब्बत में हम किसी का दिल, हाँ बिल्कुल हाँ, प्यार मोहब्बत में बहन देख, नहीं 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 प्यार, चल तू बोल ले मैं सुन रही हूँ। हाँ हाँ नहीं 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 गलत 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 गलत, पता है मैं बताती हूँ कुछ, पता है प्यार मोहब्बत में ना, हाँ मैंने तो सुन ली, मैंने तो सुन ली यार, आप मुझे भी तो बोलने देना फिर, अगर तूने अपनी मर्जी बोली है तो। हाँ 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 राइट, यस यस मैं स्वीटी, यस यू आर राइट, तो देखो अगर प्यार मोहब्बत में आप मुंबई कहाँ रहते हो, मुंबई में ना कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, बोरा बोरावली क्या बोलते हो उसको, थाना, हाँ जो भी थाना,
मैंने कुछ गलत बोला किसी को भी, मुंबई वासी हो या कुछ भी। सुनो सुनो, ये ऐसा नहीं कि मैं किसी से डर रही हूं तो मैंने गलत नहीं बोला, मैं तुमसे पूछू। सुनो, मेरा कान का बाल कोई नहीं उखाड़ सकता, मैं किसी के बाप से नहीं डरती, चाहे वो कोई अमेरिका का हो चाहे मुंबई का हो। ठीक है, I'm not a loser lady. एक्चुअली ना मैं किचन में बिजी थी और ऑमलेट बना रही थी। हाँ, एक मिनट कमर्स पढ़ने दो। या गाइस, हाँ राइट, यस। अच्छा गाइस ना, इस मोबाइल की ना बैटरी रेड हो रही है। क्या, एक मिनट है गाइस, चुप रहना। हाँ गाइस, एक्चुअली ना हमारे यहाँ ना जहाँ हम रुके हुए हैं ना अभी, तो ना मतलब रुके इतना झूठ मुझसे नहीं बोला जाएगा यार। अच्छा मैं जहाँ हूँ और जो मेरा घर है ना, वहाँ का ना लाइट काफी टाइम से नहीं है, और ये लोग अपना मोबाइल का चार्जर लाना भूल गई हैं मैडम, और ये मुझ पर थोप रही हैं, और बस अब मैंने सच बोल दिया, अब मुझे जूते मार ले। तो गाइस ये ना अब मुझे 100 जूते मारे और 50 मारे, आई डोंट केयर। नहीं प्लीज, मेरी तारीफ और मेरी बुराई प्लीज अभी मत करो, मेरा मूड नहीं है। प्लीज गाइस, थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइव देख रहे हो। गाइस जितने नीचे बैठे हो ना, उसके लिए दिल से थैंक यू, पर अभी कुछ मत लिखो। पर मेरे दोस्तों ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे दोस्तों के साथ मेरे साथ गद्दारी की है, मैं उन गद्दारों लोगों से दूर रहना चाहती हूँ। और लोग कहते हैं ना कि आप, कई लोगों ने कहा कि आपको जवाब देना चाहिए फलान, मुझे नहीं देना, वो उनकी पार्ट है यार, वो उनकी लाइफ है, वो कैसे जीना चाह रहे हैं, वो उनको वो कैसे वीडियो बना रहे हैं, वो कैसे वो अपने आप को साइड नोट पे खड़ा कर रहे हैं, कैसे वो कह रहे हैं कि वे हरियाणा के लोग हरियाणा ऐसे कर रहे हैं, तो वो उनका लुकआउट है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, यू आर ग्रेट। बट आई एम अ गुड़गांव की शेरनी, वो मेरा लुकआउट है, ये मुझे उनको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है, समझ रहे हो बात को, वो मेरा लुकआउट है। तो इसलिए प्लीज मेरी जान, अब मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। पता है
समटाइम क्या होता है, आप भी दुखी हो, हम भी दुखी हैं लाइफ में. समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप भी दुखी हो, आप भी जिंदगी सेटल कर रहे हो, हम भी जिंदगी सेटल कर रहे हैं. बाकी भोलेनाथ की कृपा से मुझे किसी के नंगे पुंगे काम करके ना पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ी है. ओ मेरे भोलेनाथ या मेरे पति की कृपा, मुझे कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी. तेरी जैसी रंडियों काम करने की जरूरत होती है. तो तू कर पर तू ना शेरनी से कंपेयर मत किया कर. शेरनी से कंपेयर करने के लिए पता तुझे क्या क्या करना पड़ेगा? शेरनी से कंपेयर करने के लिए एक 23 साल का बच्चा पैदा करना पड़ेगा. 23 साल का बच्चा पैदा करना पड़ेगा. उससे तुझे फिर तुझे ये प्राउड फील करना पड़ेगा, भाई मैंने 23 साल का बच्चा पैदा किया. फिर उसके बाद तुझे प्राउड फील करना पड़ेगा, बहन चूत मैं वहाँ गई. तेरी जैसी रंडिया, ओ सुन, तेरी जैसी रंडिया नीरे घूमे इंस्टाग्राम में. हरियाणा का नाम बदनाम मत कर. आई लव हरियाणा, ठीक है? हरियाणा से पैदा हुई हूँ मैं. नहीं, हरियाणा से नहीं हूँ, यूपी से हूँ. बट मेरे पति की वजह से मैं हरियाणा को बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक है? पर तेरी जैसी रंडिया ना हरियाणा को बदनाम करती है. और सुन बे, रैप्टा इतना मारूंगी, रंडी साली कुत्ती बहन की लौड़ी मरती फिरेगी वहां पे, ये ढूंढती रहेगी कि कल्पना का बेटा कितने एज का है. कहकर मैं बता रही हूँ ना, मेरा बेटा 24 साल का है. अब बता तू, गांड पाल ले उसका, लण चूसेगी उसका बहन की लौड़ी, मादर की लौड़ी लण चूसेगी मेरे बेटे का? है साली कुत्ती बहन की लंड, तेरी माँ को चूतू बहन चू. ये मुझे पता है, सोशल मीडिया वाले चाहते हैं ये लाइफ. अरे सुनो, मुझे कोई वैसे वाली लाइफ नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे एक ही लाइफ चाहिए, अपने जिंदगी जीना सीखो. मैंने औरतों को बहुत सपोर्ट किया है, अपनी जिंदगी जीना सीखो. आदमी आपको समटाइम ब्रेन वॉश कर देते और वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि आपको करना है क्या कहकर, ठीक है? तो उसके बाद फिर आप फिर पछताते हो कि भाई हमें क्या करना है कहकर. फिर आप जब वो सोचते हो ना, तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है. तो ब्रेन वॉश किसी आदमी के हाथों से ब्रेन वॉश होने से अच्छा है गाइस, खुद अपने ब्रेन को ना कतई दिमाग से निकाल के वॉश कर दो और ब्रेन को वॉश करके कतई चादर में लटका के सुखा कर फिर अपने दिमाग में ले आओ, ठीक है? ये औरतों के लिए, क्योंकि औरतें समटाइम ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है. हाँ, मैं खुद हुई हूँ, मुझे पता है मैं खुद हुई हूँ. तो मैं किसी को क्यों बोलूँ कि भाई आई एम नॉट कैका. पर मैं चाहती हूँ अब कोई औरत ना ब्रेन वॉश ना हो. अनमोल भी हुई है, अनमोल जो जिसको मैं नचनिया बोलती हूँ, वो भी बहुत हुई है ब्रेन वॉश, उसका बहुत हुआ है. और उसको अभी भी लगता है कि उसके आसपास उसके अच्छे लोग हैं. पर वो गेम तो अच्छा खेलती है, बस समटाइम वो भूल जाती है. छोड़ो, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं करना आ गया यहाँ पे. जब सामने वाला मुझे ये नहीं कहता कि भाई शेरनी हमें तेरी जरूरत है, सपोर्ट मी, तब तक सॉरी गाइस, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर सकती. चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई आदमी हो, सॉरी गाइस, मुझे माफ कर देना. मुझे माफ करना,
ओ सायरा मुझे माफ करना, ओ सायरा पहले लूंगा मैं अपने भेड़ कलौड़ी का नाम, मुझे माफ करना। अब ला भेड़ कलौड़ा, जा जा केस कर तेरी माँ की, जा केस कर तेरी माँ की, चुप जा केस कर। शेर ने ऐसे बोला, जिंदगी यहाँ रखू मैं, आया ना? यस। आज मुझे फोन आया था, ये तो बार बार क्या कर रही है। ठीक है, मैंने उनको बोला दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई ट्रूथ, दिस इज माई गांड, दिस इज माई प्राइवेट पार्ट, यू नो आई एम ड्रंक। बहन चूत, हमने यहाँ बहुत आदमियों को देख लिया, गेम खेलते हुए सबको देख लिया, गेम खेलते हुए। या ये ना बोले मुझे कोई कि हाँ भाई शेरनी तू तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, शेरनी तू तो बड़ी अच्छी मित्र मेरे, तू तो बहन चूत, तूने तो कते मेरा दिल जीत लिया, तेरे मैं बहन चूत तूने ये कर दिया। नहीं, मैंने किसी का दिल नहीं जीता है, मैंने किसी का लंड नहीं चूसा है। ठीक है, उन्होंने सपने मेरा चू चाट लिया होगा, बट मैं किसी का लंड नहीं चूसा बट समटाइम क्या होता है, उनको ये लगता है कि भाई वो जीत जाएंगे। पर मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों के साथ हूँ, लव यू, सब बहनों के साथ हूँ। बट अगर आप जेन्युइन हो तो, आप जेन्युइन हो तो मैं आपके बिल्कुल दिल से सपोर्ट हूँ और मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, अगर आप कुछ गलत करते हो किसी के साथ, कोई मर्द के साथ, किसी आदमी साथ गलत करते हो, तो मैं उसके साथ, उस औरत के साथ नहीं हूँ बिल्कुल भी। क्योंकि देखो, अब मुझे हिचकी शुरू हो गई, इसका मतलब बहन के लड़ मेरे दोस्तों ने मुझे याद कर रहे हैं, बहुत मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि
call. Yeah, fuck all. No, not a matter. Fuck all. यार वो रोहित बता चुका ऑलरेडी. फॉक ऑल सोशल मीडिया में. फॉक ऑल. नहीं मैं चेक करने लेके आई, एक मिनट. गाइस टू मच यू नो सब. दो पीस माइक्रो. हाँ माइक्रो बस. सीरियसली गाइस हेलो किसने लिखा है कल्पना दी. यस हेलो जी, बट आई एम नॉट गुड टुडे. और अब मैं यहाँ ना कुछ पुराने लोगों की वजह से नए लोगों को नहीं खराब करना चाहती. मेरा एक ही मकसद है सॉरी. इसमें इतनी बैटरी नहीं है अभी कि मैं. एक मिनट, इसमें फोन आ रहा है, मुझे एक मिनट वेट करना. मेरा मैसेज पढ़ने भी यार बहन चुद. एक तो ना लोगों को ना, एक तो मैं कमेंट ही बहन चुद ऐसे ऐसे आते हैं ना. मैंने किसी कमेंट नहीं पढ़ा, वो मैसेज कर रहा है, मेरे कमेंट नहीं दिख रहे तेरे को, मैं उसको फोन ही कर रही. अब मेरे ही पड़ोस में रहते हैं ये, फोन ही उठा रहा. फोन को तोड़ के फेंक दूंगी. दोबारा ये कहा ना, मेरे मैसेज नहीं देखे, मैं नीचे बैठा तो दूर दूर. क्या लिख रहा है तू ये? अरे यार मैं लाइव पे हूँ यार, पता तुझे मैं, मेरा मूड खराब है, मैंने दारू पी रखी है अभी. मैं डिस्टर्ब मत कर अभी, ठीक है? क्या कह रहा है? नहीं नहीं ओके नहीं, तू लाइव देख रहा, अच्छी बात है. तू मेरा पड़ोसी है, मेरी जान है तू, मैं मेरा दोस्त है, मेरा भाईचारा वाली दोस्ती है. पर ऐसे नहीं मत करा कर, ठीक है? मैंने बता दिया ना, मैं अभी लाइव पे हूं और मैं इनकी माँ चौधरी कुछ रंडियों की और रंडवों की. पता ना तुझे रंडियों की, तू समझ रहा रंडियों की इसकी लाइव चौधरी हूं. रंडिया तो तू समझ गया होगा रंडिया कौन है, ठीक है? रंडवा तू नहीं समझ पाएगा, वो इंस्टाग्राम के कुछ रंडवे हैं, ठीक है? रंडिया एक ही, दो ही रंडिया अपनी जिंदगी में, ठीक है? उनकी तो मरते दम तक ना माँ चो देंगे हम, ठीक है? तो ऐसे 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 ना टेंशन ना लिया कर तू. ये तेरे काम है, मैंने तेरे नहीं, मैंने बहुत लोगों के मैसेज नहीं पड़े यहाँ पे, तो ऐसे नहीं बुरा मत माना कर तू यार. तू अपना पड़ोसी है, तू अपना जान है, पता तुझे? हाँ तुझे लाइव पे ले लू अभी, चला ले लाइव पे. तू लाइव पे आ जा अभी.
आप पता है मेरा मूड बहुत खराब है नितिन, सीरियसली आई हैव टू मच, मैं रोई हूँ आज पता है 1 घंटा। मैं कुछ तो वो रंडियों की वजह से और कुछ एक और तो थी, मतलब आई एम टू मच यू नो, जिसे कहते हैं ना आई एम यू नो, जिसे कहते हैं ना एक रोना धोना, शेरनी कभी रोती नहीं है धोती नहीं है, तू भी जानता ना इस बात को। अगर शेरनी रो रही है किसी प्रॉब्लम में, या वो अपने आप को कह रही है कि मैं अकेली हूँ आज, मैं दुखी हूँ, तो कोई तो होना चाहिए ना फिर, कि हाँ मैं हूँ ना तेरे साथ, आई एम विद यू। तो मादर के लंड ये यहाँ पे बहन के लड़े सनातन के धर्म के नाम के लिए पे झंडा लहराते हैं ये सारे कुत्ते। हम सारे पंडित हैं यहाँ बैठे, ये देखो असली पंडित है, पता ना, तू भी पंडित है, मैं पंडित हूँ, ठीक है, पंडित के नाम पे असली झंडा। अरे भैया मैं ही कहती हूँ, तू पंडित के नाम पे असली झंडा लहराना, फिर हम बात तो माने फिर तेरे को। ऐसे हल्के में आ सनातन ये वो, सनातन को धर्म को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, पर उसको फॉलो तो करके दिखाना फिर, तू आजा फिर मैदान पे, ऐसे हवाबाजी करके वीडियो बनाया, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। मैंने कभी बोला, अरे चल नितिन तू ही बता, मैंने कभी बोला मैं पंडित की प्योर कट्टर पंडित की बेटी हूं, है आचार्य फैमिली के, मैंने कभी अपने धर्म को लेकर मुद्दा उठाया? अरे यार सब एक बराबर है यार, यहाँ पे किसी को ऊंचा नीचा मत समझो, ये मत समझो कि तू पंडित है तू ये है तू वो है, ये नहीं समझने का किसी को भी। सब कहता ना एक भगवान का दिया हुआ फूल, एक कहता ना भगवान ने अगर आपको फूल, भगवान ने फूल दिया ना तो फूल हर उसमें क्या कहता है गुलस्ता, क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब वहां पे खेलता है, वो मतलब एक गुलस्ता में खेलता है, ठीक है, तो वो बनो ना आप, है क्या ये तू ये तू ये फलाना ढेंगना, किसने बोला तू रंडी है बहन की लोड़ी। अभी ना 3-4 लोगों का फोन आया मेरे पास जब मैंने ये फोन लाइव चला, क्या लोग तू 3-4 लोगों का फोन आया, क्या तू रंडी बहन की लोड़ी, तो मैंने बोला हेलो कौन, अरे मैं अनिल बोल रहा हूँ, मेरे ना दोस्त ने तेरे को तेरा नंबर दिया और सर्विस चलाती ना तू, सर्विस जान रहा है ना तू सर्विस का मतलब, हाँ तो उसने बोला सर्विस चलाती ना तू, मैंने बोला हाँ, आगे वो फिर बोलना था ना मुझे, क्योंकि मुझे पता है किसी ने तो नंबर दिया होगा उसको, तो क्या लगा हाँ मेरे को, मैंने बोला एक काम कर, किसने फोन किया नंबर बता उसका, ठीक है, उसने फोन काट दिया तुरंत। इतने कम से कम 5 फोन आ गए मुझे कि शेरनी कल्पना कुंडू बोल रही हो आप, सर्विस चाहिए आपसे मुझे, ठीक है सर्विस चाहिए, हाँ सर्विस चाहिए मुझे। मैं अब ये लाइव पे बोलूँ क्या, मैं ये चीजें लाइव पे बोलूँ अच्छा लगता है पता, फिर तो मैं वो कह रहा है कि अभी शेरनी जी आप शेरनी जी बोल रहे हो, हाँ कल्पना कुंडू बोल रहे हो, हाँ मैंने बोला हाँ, अच्छा मेरे दोस्त ने बोला कि आपको ना सर्विस कितना सुनने में कितना गंदा लगता है तेरा। अब ये बंदे को जानकार है मेरे, नहीं है ना, नहीं है ना, फिर इनसे मैं लड़ूंगी अब पता चल,
अरे बहन का लंड, मैं ये कहती हूँ माधव के लंडो, फोन काटना तो बहुत की दूर की बात है, फोन के सामने आकर बोलो कि शेरनी जी आपका सिस्टम क्या है, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था मैंने तेरे को अभी, मैं भूल, सर्विस, आपका सर्विस क्या है, ये बोल के दिखा। तेरी मैया को ना एड्रेस निकलवा के तेरे घरवा घर के तेरे बेटे या बेटियों कोई भी हो तेरे घर में पैदा पैदा हुआ। अच्छा नितिन, बुरा मत मानियो, मैं एक चैलेंज कर रही हूँ माता के लंडो को, सुन बे बहन के लड़ो, तेरे घर में चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सुन सस्ते में मत लियो हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के लोगों को बहन चोद इतना नंगा करके इतने लोगों से रेप करवाएगी ना उनका सबका, साले तुम बहन के लड़ो, हम बहन जो चूतिया है जो यहाँ बकवास कर रहे हैं यहाँ पे, कि नहीं इनके मुंह मत लगो उनके, तो जब तुम उनके मुंह लग रहे हो तो भी बहन के लंडो, धी के लंडो, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे धी के लंड, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी माँ को ऐसा नंगा लटकाएंगे नीम के पेड़ में, तुम कहोगे कि बहन चोद शेरनी, तुम तो नहीं लटकाती थी ऐसे नीम के पेड़ में, तुम कहाँ है लटका रही हो। अच्छा एक बात बता नितिन, नितिन एक बात बता, मैं इन रंडियों को, ये रंडो गलत बहन चुचुस में गिर गया, एक बात बता, तू मेरा पड़ोसी है ठीक है, तू एक बात बता बहन चुद, मैं इन रंडियों को, रंडो यार एक बात बता, एक बात बता, एक बात बता, सुना क्या नाम नितिन, मैंने ना तेरा फोन स्पीकर में रख